सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिकंदर सिंह व्लॉग्स। एक नए व्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेके आ गया हूँ ओमेक्स मॉल, जो कि है चांदनी चौक में। अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा चांदनी चौक। तो आज आप देखेंगे ओमेक्स मॉल, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। क्या आप देख पा रहे हो, ये है ओमेक्स मॉल। अगर आप गाड़ी या बाइक से आ रहे हो तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। ये रही पार्किंग जो मेरे देख रहे हैं आप, ये पार्किंग रही। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी या फिर जो भी बाइक है आपने खड़ी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे हो, ये है मॉल का एंट्री गेट। तो हम एंट्री गेट से जा रहे हैं, अब आपको दिखाएंगे अंदर से ओमेक्स मॉल। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है मेन एंट्री गेट ओमेक्स मॉल का। तो अब हम आपको लेके जाएंगे अंदर इसके। तो फ्रेंड देखिए, अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ ओमेक्स मॉल में। हम दिखाएंगे आपको अंदर से ओमेक्स मॉल कैसा है। ये देखिए, यहाँ से एंट्री मेल ओनली, आप देख पा रहे हो। तो देखिए, हमने एंट्री कर ली है यहाँ पे। तो ये है ओमेक्स मॉल। हमारे पास कुछ सामान तो है नहीं, तो हम तो जाएंगे सीधा सीधा। तो फ्रेंड्स, मॉल में एंट्री करते ही आपको सबसे पहले दिखाई देगा दावतपुर सिटी ऑफ फूड का बोर्ड। मॉल में एंट्री करते ही ग्राउंड फ्लोर पे आपको दिखाई देगा क्लैन ज्वेलर्स का शोरूम। बात करें मॉल की, तो मॉल बहुत ही लग्जरियस बना रखा है। फ्रेंड्स, ये है मेन एंट्री। जैसे आप मेन एंट्री से एंटर करोगे तो आपको सीधा बिल्कुल ये देखने को मिलेगा, एक बहुत ही लंबा कॉरिडोर बना रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही लंबा कॉरिडोर बना रखा है। आप जैसे देख पा रहे हो कि बहुत ही लंबा कॉरिडोर है, और लाइटिंग मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि लाइटिंग जो है, लाइटिंग बहुत ही बढ़िया कर रखी है यहाँ पे। और ये आई थिंक एग्जिट है, यहाँ से एग्जिट करने के लिए भी है। स्पेस काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया, ये है बैक साइड का एरिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा बैक साइड का एरिया है। और ये आप देखो, ये पीछे ज़्यादा भी शॉप्स वगैरह नहीं है। ठीक है, जो मेन अभी है वो फ्रंट में ही है शॉप्स वगैरह। और अभी जो अभी यहाँ पे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है। अभी यहाँ का काम पूरा कंप्लीट हुआ है। वो जो मैंने आपको एक दिखाया था मेन एंट्रेंस गेट, एक गेट यहाँ से भी है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये मेरे पीछे है गेट। दूसरा पूरा कॉरिडोर एरिया बना रखा है एक लंबा सा, जैसे मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था, एक यहाँ पर भी है। ठीक है, ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये काम चल रहा है यहाँ पर। अभी बहुत सी शॉप्स रेडी हो रही हैं, जल्दी बहुत ही जल्दी सारी की सारी शॉप ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है क्लैन ज्वेलर्स का शोरूम। ये देखिए, यहाँ से हम इधर से हम इधर को आए थे। तो अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है यहाँ पे अभी। तो भाई, ये पीछे आप मेरे देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा सेल्फी पॉइंट बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे बंदे आके सेल्फी वगैरह लेते हैं। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो, देखिए पूरा पूरा सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। तो भाई, हम जा रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी है मॉल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया बनाया है। ये आप साथ के साथ देखते चलो। ये है लिफ्ट एरिया। ठीक है, लिफ्ट एरिया आप देख रहे हो, बहुत ही क्लासिक बना रखा है। अभी ऊपर जा रहे हैं हम। तो ये देखिए, जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये सबसे पहले आपको दिखाई दे देगा दिल्ली 6। ये पूरा एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है। तो फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हो, पीछे बना रखा है एक सेल्फी पॉइंट, जिसमें लिखा है दिल्ली 6। आप भी अभी आके अपने फोटो वगैरह ले सकते हैं। ये मेरा भाई आ रखा है पीछे, देखिए ये सनी पंकज। ये है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो टाइटन का, टाइटन आई का शोरूम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है, ना ही ज़्यादा भी शॉप्स हैं वहाँ पे। जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है इस मॉल का, वो है थर्ड फ्लोर, जो कि बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट। भाई कह रहा है कुछ भूख लगी है, तो देखते हैं कुछ खाने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो लहसुन प्याज कुछ खा नहीं सकते हम। तो कुछ ऐसा चीज़ देखेंगे जो कि हम, जिसमें लहसुन प्याज ना हो। ठीक है, तो देखते हैं ऊपर फूड कोर्ट में क्या मिलता है। फ्रेंड, ये सेकंड फ्लोर से फूड कोर्ट का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए शैंडलियर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर लगा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा फूड कोर्ट का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये सेकंड फ्लोर में जो है पूरा का पूरा फूड कोर्ट है। आप आओगे तो ये पूरा देखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड, जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो आपको ये फूड कोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे चार तरीके के फूड कोर्ट बनाए गए हैं, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। इस मॉल का सबसे बेहतरीन पार्ट जो है सेकंड फ्लोर है, जो कि ये फूड कोर्ट है। ये पूरा सेकंड फ्लोर पे पूरा का पूरा फूड कोर्ट ही बनाया गया है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको जो भी है खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। तो भाई, ये लिए अपने पानी की बॉटल ऊपर से SWV ए, इट विल कॉस्ट यू 60 रुपीज। ओके गाइस, अमृत है ये पानी, हमारा हो सकता है ये। भाई इतना महंगा पानी पहली बार पी रहे हैं हम। ये तो 20 वाली बोतल से काम चला लेते हैं। पर रहे हो भाई ने लिया 60 रुपए की पानी की बोतल ऊपर से, जिसको मैंने बोला था कि नीचे से ले ले 20 रुपए की बोतल, पर ये नहीं माना, 60 रुपए की बोतल ली है। तो देखते हैं इसमें कुछ अलग टेस्ट आता है कि नहीं आता। ले भाई, होल बोतल।
भाई कुछ अलग टेस्ट आ रहा है क्या? आगे भैया मेरे को कुछ लोशन जाग गया। तो फ्रेंड ये जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे आपको ये एक वॉल दिखाई देगी जिसमें ये दरवाजे वगैरह ये डोर्स वगैरह जो है उन्होंने एक वॉल रेडी करी है जिसमें कि लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके इसको बहुत हाईलाइटेड करा है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेकंड फ्लोर पे आपको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, आपको यहाँ पे हर तरीके का आउटलेट मिल जाएगा, फास्ट फूड का, KFC का, डोमिनोज का, वाओ का, हर तरीके के आउटलेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। मेनली जो सेकंड फ्लोर बनाया गया है वो खाने पीने के लिए बनाया गया, बहुत बड़ा एरिया है, बैठने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे। तो फ्रेंड ये देखिए, ये है ओमैक्स दिल्ली वाइब्स। यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा आपको, तो यहाँ पे कुछ पंजाबी कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, तो जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा हम इसको शूट करेंगे और आपके लिए यहाँ पे वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कल्चर प्रोग्राम होने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हैं एक दूसरा फाउंटेन यहाँ बना रखा है, ये दो एक फाउंटेन यहाँ पे बना रखा है और एक फाउंटेन आप देख रहे हैं, आपको जूम करके दिखाता हूं, एक फाउंटेन यहाँ पे बना रखा है। तो फ्रेंड जहाँ पे इस तरह की गैलरीज बना रखी है सेकंड फ्लोर पे एक फूड कोर्ट से दूसरे फूड कोर्ट जाने के लिए, ये मेरा भाई बार बार आके वीडियो खराब कर रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फूड कोर्ट है, ये देखो सागर रत्ना, यहाँ पे सारे पाओ ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हम बैठे हैं डोमिनोज में और ये देखिए साथ में मैच के लुफ्त भी उठा रहे हैं, साथ में चल रहा हमारा मैच, ये देखिए साथ में पिज्ज़ा, पिज्ज़ा हमने फिनिश कर लिया है और ये मैच चल रहा है। कौन सा मैच आज? लखनऊ वर्सेस कोलकाता। तो फ्रेंड जो ये सेकंड फ्लोर का एरिया है इसका एम्बियंस जो है वो बहुत ही प्यारा है, जो लाइटिंग यूज़ करी गई है वो बहुत ही प्यारी यूज़ करी गई है, ये वाला जो एरिया है मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड यहाँ पे घूम के हम थोड़े थक गए थे तो हम नीचे फर्श पे बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठने का कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ सकते कहीं पे, अगर आपको बैठना है तो फूड कोर्ट जाके बैठना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई बैठने की ऐसी जगह नहीं है। तो एक माइनस पॉइंट यहाँ पे ये लगा थोड़ा सा कि बैठने का जो है यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, तो जो भी अगर आपको बैठना है तो आपको सिर्फ वहीं पर जाके बैठना पड़ेगा। तो हमने भाई नीचे ही बैठ गए ऐसे करके, ठीक है थक गए थे थोड़ा सा, तो सोचा कि थोड़ा नीचे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड बस यही था ओमैक्स मॉल। तो यहाँ पे एक बात बताऊँगा कि जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का वो है सेकंड फ्लोर जहाँ पे फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं या फिर फास्ट फूड वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो मैं भी दिखाता हूँ अभी आपको। तो फ्रेंड ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जैसे कि हल्दीराम, KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, हीरा, घूमर, वाओ, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल का नाम है सिकंदर सिंह ब्लॉग्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई लोकेशन के साथ, टिल देन कीप वॉचिंग सिकंदर सिंह ब्लॉग्स।